हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मदर डेरी जैसा परफेक्ट दही घर पे जमाना बताऊंगी। बहुत अच्छा सा जमता है, टेक्सचर देखने से ही आपको पता चल रहा है कि कितना बढ़िया सा ये जमा है। इसे जमाने के लिए 5 घंटे तो हमें चाहिए। तो मैं आपको इस पर बता देती हूँ किस स्टेप के साथ हम जमाते हैं। तो यहाँ मैंने रॉ मिल्क लिया है, और रॉ मिल्क लेना ज़रूरी है ये वाले दही के लिए। अगर आप चाहें तो बॉयल वाटर मिल्क ले सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी दही जमा चुकी थी, मैं उसी में से 1 चम्मच दही लूँगी और मिल्क में डाल के हमें इसे मिक्स करना है। जितना हमें मिक्स करेंगे हमारा दही उतना ही क्रीमी बनेगा, टेक्सचर अच्छा होगा, पानी और दही अलग अलग नहीं लगेगा और बहुत ही परफेक्ट दही जमेगा। इसमें पानी की क्वांटिटी होती ही नहीं है। देखिए, तो ढक के मैंने ओवरनाइट रख दिया है। और मैं थैंक यू कहना चाह रही हूँ अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स से जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए, रात भर गुजर चुकी है, 5 घंटे हो चुके हैं, तो मैं इसे खोल के देखती हूँ। देखिए, दही हमारा परफेक्ट जम चुका है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो इसके लिए हमें सिर्फ रॉ मिल्क की ज़रूरत है और 1 चम्मच दही। अगर आपके पास दही ना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ड्रॉप नींबू की डाल सकते हैं, या फिर नींबू भी ना हो तो नमक तो घर में होता ही है, तो नमक भी डाल सकते हैं 1/2 चम्मच। पर हाँ, ये है कि आपको जब आप दूध में डालें तो बहुत अच्छे से फेंटे। और अगर नमक भी नहीं है, दूध भी नहीं है, तो विनेगर भी नहीं है, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, बस इसे बहुत अच्छे से दूध को फेंटना है और कच्चा ही दूध रखिएगा, और बस रूम टेम्परेचर पे इसे छोड़ दीजिए और ये बहुत परफेक्ट दही जम जाता है। अच्छा, मैंने इसे मिक्स करने के बाद मैंने फ्रिज में और रख दिया था, तो ये बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर देखिए नज़र आ रहा है ना। और बस मैं इसे खाने के लिए तैयार हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने इसे लिया है। आप कभी भी इससे किसी कुछ भी डिश बना सकते हैं, दही बड़े बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में ये दही काम में आते हैं। तो वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए बेगम किचन के साथ, और थैंक यू वंस अगेन। बाय बाय।